लेकिन उनका पड़ता कम में आने लगा, तो पहले 240-250 का पड़ता था, अब वो 200-210 180-190 में लहसुन बेच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो 190-200 बिकेगा तो नेचुरल बात है कि जो किसान माल ला रहे हैं या इंडियन माल है उसके ऊपर भी फर्क बहुत ज्यादा आने वाला है। बहुत ज्यादा आ गया। और आने वाले समय में अगर माल ऐसी इतनी रफ्तार से अफगानिस्तान का माल आता रहा तो इस माल के ऊपर भी काफी फर्क आएगा। कस्टम लगाया कस्टम लगाया या उसके ऊपर ब्रेक लगाया। चाइना का माल भी नंबर दो में आ ही रहा है। आ ही रहा है बिल्कुल बिल्कुल। उसके ऊपर आज तक इतना आपने भी सुन दिखा दिया कि हड़ताल भी हो गई किसानों की। किसान लोगों से इतना सड़कों पर उतरा है और संसद के अंदर भी आवाज उठा ली गई, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना का काम करने वालों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। चाइना का काम निर्बाध रूप से नंबर दो में यूपी में नेपाल बॉर्डर से चल रहा है। चल रहा है। दोस्तों मैं चिन्मय और फिर से आ गया हूँ आजादपुर मंडी लहसुन के एरिया में, और यहाँ पे पंजाब का बोली लग रहा है और आज तारीख है 26 सितंबर 2024 और बृहस्पतिवार। तो चलिए सबसे पहले मैं आगे चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको लहसुन कौन से वैरायटी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो भाई, और बाबू जी इधर है तो देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे बोली लगी रहा है और बोली ख़त्म होने के कगार पे है और लास्ट टाइम पे आया हूँ मैं, तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा लहसुन का बोली लग रहा है। ये आ गया देखो मैं, ये चनिया भाई। हाँ जी, 50-55-60-65-70-75 80-82-82 है 90, 91, 92, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 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 110 एक सौ दस में गया भाई चनिया। तो देख पा रहे होंगे, तो आइए बाबूजी से पूछते हैं आज का क्या भाव बिका लहसुन और बाजार में कितनी गाड़ी का आवक है। और देखो भाई ये माल अभी बिकेगा ना भाई, देखो माल तो है भाई यहाँ पे, अभी माल है तो चिंता मत करो, बने रहिए ब्लॉग में अभी और दिखाते हैं आज। और देखो काफी भाई लोग आए हुए हैं। अस्सी हो गया बाइड एक बापरे 80-81-82-83-84-87-88 इनकी स्पीड चेक करो 91 91 90 95 91 वाह वाह 92 92 92 92 3 बानवे तीन में ये है कोई ऊपर वाला पटाते हुए इस तरीके से पटाया जाता है। पानी डाली घंटा डेढ़ रुपए ले लो, डेढ़ रुपए क्या हो गया सर, 90 दिन का बोली था, डेढ़ रुपए क्या हो गया, जब 13 दिन से लो ले लिया तीन कट्टे तब चला आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हो गया बाप 195 कितना हो गया भाई, ये भी गया 193 चार कट्टे का माल आ गया भाई, माल देस्कृत 140-50-55-60-85-85-81-82-88-88-89 वाला कोई 89 करना किसी का भाई 89 माल बढ़िया भाई 89 माल बहुत बढ़िया है 89 करना किसी का, ये माल चार गट्टे है माल बढ़िया चार कोई भी गट्टा पलट के देख लो, कोई भी गट्टा डेरी करो 89
देखो भाई घेर के रखे हुए बाबू जी को, पंजाब में कितना घेर के रखे हुए देखो, 90 91 92 वाला कोई है? 93 में गया हुआ है भाई ये, तो चलिए बने रहिए। जसविंदर कासिम लिखा हुआ है, तो देखो भाई और एक खोले जा रहे हैं अभी, और धैर्य के साथ बने रहिए। अभी भीड़ ज्यादा होने के कारण हम दिखाने में असमर्थ है। 86 87 88 88 1 88 2 10 है मेरे भाई, 10 है वहाँ, कौन कर रहा है? 1 है 2 है एक, ये वाला 1 है 2 है, ये 2 है, हाँ 88 89 90 91 92 93 में गया। नाम बता भाई, जो सुमिंदर कासिम का है। तो देखो भाई मीडियम मालूम है, तेजी बरकरार है भाई, ये याद रखिएगा। अभी देखते हैं, अभी ये 2 माल है, ये मोटा माल है भाई, तो देखते हैं ये कौन सा माल है। वाह भाई देखो जी, देखो बढ़िया है, मजा आ गया। देखो देखो एक बार देखो, 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 देखो मैं आ रहा हूँ, 2-5-10 देखो भाई ये माल है, लाजवाब माल दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ तो कितना तक जाएगा इधर, थोड़ा कान में बताओ। 220 तक जाएगा भाई, देखते हैं 230 जाता या नहीं। 230 का, हाँ ब्रो, 220-230 जाने का उम्मीद है ना भाई। देखो हाथ में लेके देख के बोली लगाओ, समझ में आ लो, नहीं बने रही है। 15-2, 15-2, 15-3, 215 पे गया भाई का, बस सही था यार, 5 रुपए कम गया। माल बढ़िया, माल बढ़िया, 215 पे गया भाई। कौन सा कार्ड है? देखिए अभी और एक लोग बड़ा लोट खुल रहा है यहाँ पे। 63-66-68-70-71-72-73-73-74-75-75 वाला उसी में डाल देता ना, घंटा फटा हुआ। 74-1-74-2 डाल दे भाई, पता नहीं था यार। 74-75 वाला कोई है? हाँ भाई, कोई 75 वाला? 75 संजीत कैसा है, और सतीश कैसा है? माल बढ़िया, माल बढ़िया भाई। साइज है ना, मरा हुआ तो नहीं है ना? सीना मरा हुआ नहीं है, दबा है। चलो ठीक है, चलो 175 रुपए 3 MRKT 175 रुपए में गया भाई। अभी एक बड़ा लॉट आ रहा है भाई, देखते हैं इसका 2 कट्टे का कर रहा है। हेलो हेलो, 1-2 हाँ बोलो, कल आपने कौन सा इतने काम तो नहीं है, क्या करें? देखो जी देखो, आज 188-92-92-91-92-95-95-95-95-95-99-200 वाला कोई है? दो है, दो एक गया, एक गया है भाई, बाद में मत बोला कर दिया ऐसे। हाँ देख, नजर इतना चुप लिखा जाएगा, कोई बात नहीं, 200 का लिखा हो गया ऐसे, 200 का लिखो आप चाचा, लेके बैठ हो गया मेरे, 200 का लगा रखा है, 200 का लगा रखा है, 200 रुपया
200 रुपए हो गए इसके तय। देखो ये माल 200 रुपए। अबे ये ऊपर वाला कोई माल बढ़िया, दो कट्टे हैं माल, बहुत बढ़िया शानदार माल है। हाँ जी दोस्तों करो करो तो थोड़ा थोड़ा और बढ़ाओ ना, चार पांच और बढ़ाओ। बड़े तो बढ़ाए तो भाई, ये दो कट्टे बहुत बढ़िया इसी लाड में है। 210 पर 12 बिके हैं, 215 बिका है। खींचो यार, 205 पूरी 17 की लाट लिया आपको कट्टा मिला के दिखाऊं, आप बेच दोगे 212 रुपए किलो, 200 रुपए हो गया 17 की लाट। बहुत बढ़िया निकल रहा है वो लहसुन, 200 रुपए किलो को लिया बाबू से। माल लाट 17 की अभी लहसुन गिरेगी यार। आज मेरी बात भाई, कोई भी ये नहीं कह रहा था कि मैं बंदा लाया हूँ वो बुला लाया हूँ। कल सब माल ले रहे थे, कल सही बिक रहा था, कल बहुत ग्राहक था आपकी दुकान पे, सब कह रहे थे कि मैं ग्राहक नहीं था कहीं भी, कल बहुत बढ़िया था। चलो 202 रुपए लिख दे, समय से निकला। चलो लिख 202 रुपए, देखो 202 रुपए में गया। हर जिंदा देखो जी, देखो दो कट्टे 40 50 55 60 70 80 अस्सी एक दो, नीचे वाले नहीं है, नीचे वाले मत सोच लेना। ये हाँ अरे हल्के लहसुन के बिना सोना बड़ा फर्क होता है। हमारी बात हरजिंदर हरजिंदर कोई माल बिका हुआ उसमें भी वो उसकी गार्ड में देखो माल देखो 180 रुपए बोल रही है। एक सौ पचासी में गया। चलिए बाबूजी से बातचीत करते हैं, बाबूजी इधर दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर ये बताइए, 2 दिन से तो मैं आ नहीं रहा था और बोली लग रहा है यहाँ पे आज, तो बाबू जी ये बताओ बाजार कैसा चल रहा है? नहीं, बाजार में जब से अफगानिस्तान का माल आया है बाजार में डाउनफॉल गया है। डाउनफॉल गया? हाँ डाउन है मार्केट इस टाइम पे, 20-30 रुपए तक डाउन चला गया है। जो 260-280 के बिक रहे थे 240-250 के बिकने लगे। ओके ओके ओके। तो ये क्योंकि ये अफगानिस्तान आने बहुत आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है सभी के पास। मैंने सुना है ये ड्यूटी फ्री हो गया, ड्यूटी फ्री हो गया है ऐसा सुनने में आ रहा है, पक्का नहीं मुझे मेरे को पता, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि ड्यूटी फ्री हो गया है। ओके। और ड्यूटी फ्री आ गया आतोरा गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसमें तो वो तो कोई रोक टोक तो है नहीं, लेकिन उनका पड़ता कम में आने लगा। तो पहले 240-250 का पड़ता था, अब वो 200-210-180-190 में लहसुन बेच रहे हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो 190-200 बिकेगा तो नेचुरल बात है कि जो किसान माल ला रहे हैं ये इंडियन माल है, उसके ऊपर भी फर्क बहुत ज्यादा आने वाला है। बहुत ज्यादा आ गया, और आने वाले समय में अगर माल ऐसी इतनी रफ्तार से अफगानिस्तान का माल आता रहा तो इस माल के ऊपर भी काफी फर्क आएगा। तो ना अभी जो मैं रास्ते से आ रहा था मुझे रोका जो यहाँ पे बेच रहे, बोल रहे सारा मोटा माल देख लो बाबूजी, मुझे बोल के बोल रहे दिखा रहे लोग, ये सारा तो ये बेच रहे। हाँ ये फिर जो 200 में वो बिकेगा तो ये मीडियम चाल के 200 बिक रहे थे हमारे, ये कहाँ बिकेंगे? ये माल वही मैं सोच रहा हूँ, इतना मोटा माल जो ईरान का आ रहा है तो वो माल 200 रुपए बोल रहा है मुझे। हाँ जो तो हमारा माल कैसे जाएगा 200 रुपए? बिल्कुल, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ आपसे। तो क्या होगा आने वाले ऐसा आने वाले समय में? अभी जो है ना, अगर इस लहसुन के ऊपर ब्रेक नहीं लगी या ड्यूटी के ऊपर नहीं लगाई गई तो भारतीय किसान को इसका नुकसान होगा, भारतीय किसानों को लॉस उठाना होगा। जो रेट चल रहे थे वो रेट डाउन जाएगा, इसी से उनको नुकसान होगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं मतलब हम लोग? भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ करेगी सरकार करेगी, सरकार करेगी। या तो कस्टम लगाए या उसके ऊपर ब्रेक लगाए। चाइना का माल भी नंबर 2 में आ ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके ऊपर आज तक इतना आपने भी सुन दिखा दिया कि हड़ताल भी हो गए किसानों की, किसान लोग इतने सड़कों पर उतरा है और संसद के अंदर भी आवाज उठा ली गई, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना का काम करने वालों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। चाइना का काम निर्बाध रूप से नंबर 2 में यूपी में नेपाल बॉर्डर से चल रहा है।
तो गाइस देखो, बहुत लहसुन में बहुत बुरा हाल है आज के डेट में, बहुत ही बुरा हाल है एक हिसाब से। मैं तो भारतीय किसान को अगर आप उठाना चाहते हो तो ये जो नंबर दो में लहसुन आ रहा है, कम से कम इसके ऊपर तो ब्रेक लगा दो। नंबर एक वाले पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नंबर दो वाले पे तो ब्रेक लगा दो किसी कैसे करके। बिल्कुल बिल्कुल, तभी हमारे जो देसी लहसुन को भाव मिलेगा। हाँ जी हाँ। तो बाबू जी ये बताओ, पंजाब का तो बोली लगी गया है, खत्म होने वाला है, लास्ट बोली लग रहा है यहाँ पे, तो क्या रेट चल रहा है, कुछ आइडिया दे दीजिए मुझे ऊपर से नीचे तक का रेट जो चल रहा है इस टाइम पे। 180 रुपए से लेके 240 तक की मार्केट, 240 हाँ, कोई लाट बिक जाए 250 बिक जाते 250 साठ का, लेकिन 240 तक की मार्केट है। ओके ओके, हाँ जी, तो 240 ही रह गया, कहा 270, मतलब 30 रुपए डाउन आई गया, 25-30 रुपए डाउन। ओके, 25 से 30 रुपए डाउन हो गया है, और नीचे मालों में भी डाउन आ गया है, 10 रुपए नीचे मालों में, नीचे मालों में 10-15 रुपए। ओके ओके, तो आपके पास ये भी है, क्या बोलते हैं ये कौन सा लोशन है ये भी बता दीजिए। ये भाई साहब यूपी का है, यूपी का, यूपी होगा या हरियाणा का होगा। ओके ओके, तो हरियाणा का क्या भाव चल रहा है? हरियाणा के लहसुन में 200 के आसपास आ गए सारे लहसुन। ओके, हरियाणा का। ओके, और यूपी का? यूपी का लहसुन हो, कोई सा भी हो, यूपी का लहसुन 160 से 200 रुपए के बीच में बिक रहेगा। ओके, सब में ही 20-30 की नुकसान। ओके, सब में ही लॉस है ना। और ये माल आ रहा है नहीं छिपा बोरो एमपी? नहीं, एमपी के अंदर गाड़ी आती है, छिपोड़ो से बिल्कुल नहीं आ रहा। ओके ओके, बंदी हो गया, मतलब बंदी हो गया, पड़ता नहीं है दिल्ली में, ये जो सारा अफगानिस्तान भरा पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो पंजाब पूरा अफगानिस्तान से भर गया है। ओके ओके, तो कहां से लहसुन? तो बाबू जी ये बताइए, जो ईरान का लहसुन है, मुझे ऐसा लगता है क्या ईरान वाला लहसुन ही, तो ये तो नहीं जो चाइना से ईरान में आया? ईरान में ऐसा नहीं है, जो मेरे को सुनने में आ रहा अफगानिस्तान का लहसुन है, ईरान वाले तो लहसुन इंडिया में नहीं आ रहा। नहीं, ओके, ओके। वो नहीं दे रहे, लेकिन ये अफगानिस्तान का लहसुन आ रहा, अफगानिस्तान का ही है। हाँ। मतलब देखने में तो क्वालिटी है, बीज तो एक्चुअल में गए, जब हमने हिमाचल का बीज लगाया, हिमाचल में लगा था, तब भी उस टाइम पे चाइना का बीज लगाया था, लेकिन क्वालिटी हमने सुधार ली। ओके, उन लोगों ने भी बीज जो लगा रखा है अफगानिस्तान वालों ने, भी चाइना का बीज लगा रखा है। ओके ओके, लेकिन माल अफगानिस्तान का ही है। ओके, ऐसा देखो, ऐसा तो जो हाँ वहाँ पे कृष्णा वाले बैठे वो भी इतने वो नहीं है, तो चाइना वाला माल पास कर देंगे। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनकी भी तो नौकरी पे आएगा ना, बिल्कुल गलत काम करेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए अफगानिस्तान का ही लहसुन आ रहा। ओके ना, मतलब देखने में जो पहचान बताया जाता है चाइना जैसा लगता है, बिल्कुल चाइना का शक्ल। आप हमारे हिमाचल का लहसुन देखोगे वो भी चाइना जैसा, हमारा लहसुन में हल्का सा नीलापन है और दूसरे लहसुनों में नहीं है, नहीं है, ये हल्का सा डिफरेंट है। तो बाबू जी किसान भाई और व्यापारी भाइयों को क्या बताना चाहेंगे? घबराए नहीं, अच्छा सीजन गया है, 6-7 महीने अच्छे रेटों में निकाला है, ज्यादा रेट टूटेगा नहीं, ये भी रेट उनके लिए बहुत अच्छा है। प्रभु से कृपा प्रार्थना करें कि भाई ये बंद हो जाए चीजें। बिल्कुल, उनको दोबारा से जहाँ से उनका रेट ऊंचा गया था दोबारा से उस रेट तक वो धीरे धीरे आ जाए। आए, तो अभी तो ये नवरात्रि आ रहा है, इसके लिए बिक्री डाउन रहेगी, बिक्री डाउन रहेगा, तो इसमें मंगवा रहे हो या सर माल आप? नहीं, मैं माल को आप समझाऊंगा इनको, अगर कोई मेरी बात को समझेगा तो मैं ब्रेक लगवाने की कोशिश करूंगा 2-4-5 दिन के लिए। ओके ओके, समझेगा तो उसके लिए मैं कुछ ही कह सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ना, लोगों को पता तो चले जो अभी ये डाउन चलेगा। हाँ जी, ये तो ना जो तुम लेकर आ गया तुम सोचो अभी माल ज्यादा रेट मिल जाए। हाँ जी, एक आधा गाड़ी को मिल सकता है रेट, मगर ज्यादा नहीं मिले, लहसुन बहुत पड़ा है मंडी भरी, आपने देखा मंडी? हाँ, पूरा मंडी भरी पड़ी है, सबसे ज्यादा तो ये हमारा ईरानी भरा पड़ा हुआ। हाँ जी हाँ जी, तो बाबू जी चलते चलते कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 9350-40-4402। और कंपनी का नाम? धनेश टेडी। और शॉप नंबर? 285। तो दिए गए नंबर पे कोई भी किसान भाई है, रिटेलर भाई है, होलसेलर भाई है, जुड़ सकते हैं। थैंक यू बाबू जी। हाँ, ओके भाई।